ईश्वर महादेव का एक नियम है, अगर कर्जा ज्यादा हो जाता है, कोई पैसे खाकर भाग गया हो, नहीं दे रहा हो, या कर्जा बढ़ गया हो, तो बढ़ के पेड़ के नीचे दही का शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। काय का निर्माण करना है? दही का शिवलिंग, और दही के शिवलिंग का निर्माण कर उसका पूजन कर कर, जिससे अपने को पैसे लेना है या कर्जा चुकाना है, शिव जी से पूजन कर बोल कर आराधना कर उस शिवलिंग की पूरी आराधना करने के बाद, पूजन करने के बाद अपनी मनोकामना कर उसका विसर्जन कर दिया जाता है। भगवान देवाधिदेव महादेव से विनती करते हैं कि हे बाबा बटकेश्वर महादेव, हमारे कर्जे से हमें मुक्त करे और हमारा गया हुआ पैसा जिन जिन के पास है वो वापिस आए। बाबा 3 महीने में बटकेश्वर महादेव पैसा देना प्रारंभ कर दे, जिससे पैसा लेना होता है वो देना चालू कर देना, कर्जा भी धीरे धीरे चुक जाए। ऐसे बटकेश्वर महादेव,